वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हाफ्सा। आज जो है ना, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कॉफी शॉप में खड़ी हूँ और इस कॉफी शॉप का नाम है यादगार कॉफी शॉप, जो कि हुसैनी गोजार हुंजा गिलगित बल्तिस्तान में है। और इस शॉप की स्पेशलिटी ये है, पहले हम इनसे पूछते हैं उसके बाद फिर हम समराइज करते हैं कि एक्चुअली इस शॉप की अहमियत क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो सर मुझे ये बताएं आपने इस कॉफी शॉप के बारे में, क्योंकि हम बहुत सारे पत्थर लगे हुए और पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो एग्जैक्टली है क्या चीज ये? ये कस्टमर की यादें हैं। अच्छा, ये 2017 में इत्तेफाकन उस रॉक से शुरू हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया की खातून थी, चाय का कप ड्रॉ करके इधर छोटा सा शेल्फ पे इधर रखा था। तो इसी कस्टमर को, इसी को देखते हुए कस्टमर ने अपनी यादें मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता प्रिजर्व करते शुरू कर लिया, चाहे वो करेंसी में अभी, चाहे वो रॉक्स में, चाहे वो सिक्के में, चाहे वो पेन अपने वाइफ के नाम पे डिस्प्ले करके रखा हुआ है। इसी तरीके से आपके सामने ये पिक्चर पोलैंड, इसी तरीके से आपके सामने चेक, ये 2017 से लेकर और ये 11/1/2023 का ये आखिरी 500 रुपये। अच्छा। और ये भी 11/1/2023 और ये भी 10/1/2023, ये सारे मेरे पास कस्टमर की यादें लॉन्ग लाइफ के लिए प्रिजर्व है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है म्यूजियम के नाम पे। यादगार, याद मीन्स मेमोरीज एंड गार मीन्स स्टोन, एज अ म्यूजियम रजिस्टर है। रजिस्टर, ठीक है। चले जी, अब मैं आपको समराइज करके बता देती हूँ कि एग्जैक्टली इस शॉप की अहमियत क्या है। ये कॉफी शॉप है जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है एज अ म्यूजियम। और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे, क्योंकि हमें ये तो पता है कि गोजार हुंजा यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, तो जैसे जैसे लोग आते गए और जैसे सर ने कहा कि पहला पत्थर जहाँ एक टूरिस्ट का आना हुआ, उन्होंने एज अ यादगार यहाँ पे लिख के रख दिया। उसके बाद वन बाय वन लोग आते गए और अपनी मेमोरीज, चाहे पैसे की शक्ल में, चाहे पत्थर पे लिख के, या फिर कोई भी ऐसी निशानी जो एक यादगार बने और कभी जिंदगी में हो सकता है उन्हें दोबारा यहाँ पे आने का मौका मिले, तो फिर वो चीजें उन्हें मेमोराइज हो।